अमेरिकी कांग्रेस विच राष्ट्रपति जो बाइडन दी हजारां अरब डॉलर दी बजट रूपरेखा ने पहली रुकावट नूं पार कर लिया। डेमोक्रेट नेतावां दे मॉडरेट संसद मैंबरां नाल इस बारे हुए समझौते तो बाद सत्ताधारी पार्टियां दा घरेलू बुनियादी ढांचे दा एजेंडा एक बार मुड़ पटड़ी ते आ गया। सदन विच बजट दी रूपरेखा 220-212 वोटां नाल पास हुई। इह राष्ट्रपति बाइडन दी 3500 अरब डॉलर दी मुड़ निर्माण योजना दा खरड़ा बनाउण दी दिशा विच पहला कदम है। रिपब्लिकन वल्लों इस योजना दा विरोध किया जा रहा है। कुछ मॉडरेट संसद मैंबरां ने 3500 अरब डॉलर दी योजना लई अपनियां वोटां नूं रोकण दी धमकी दित्ती सी। उन्हां दा कहना सी कि पहलां सदन होर जनतक कार्ज योजनावां लई 1000 अरब डॉलर दे उस पैकेज नूं मंजूरी देवे जिस नूं सीनेट ने पास कर चुका है। लगभग 24 घंटे चले संकट दौरान संसद दी प्रक्रिया पूरी तरह रुक गई। उस तों बाद स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने वोटिंग तो पहलां संसद मैंबरां नूं कहा कि इह कानून नवे करार दे बराबर संघी निवेश की नुमाइंदगी करता है। समझौता कायम करन दी पहल दे तहत पेलोसी ने 1000 अरब डॉलर दे पैकेज ते 27 सितंबर तक वोटिंग करन दी वचनबद्धता दिखाई। संसद मैंबरां नूं भरोसा दवाया गया कि इस नूं वक नहीं छड्डिया जाएगा। पेलोसी ने कहा कि इक्को वेले अगे वधाए गए दो बिल बाइडेन दीआं तरजीहां विच शामिल ने। पेलोसी ने दोवां नूं 1 अक्तूबर तक पास करन दी वचनबद्धता दिखाई। डेमोक्रेटिक पार्टी दे संसद मैंबरां ने मंगलवार सदन विच एक इतिहासक बिल पास किया जो पिछले एक दहाके विच सुप्रीम कोर्ट वल्लों कमजोर किए गए वोटिंग कानून नूं मजबूत बनाएगा। चोणां विच तब्दीली लई इह बिल 219-212 वोटां नाल पास किया गया। इस नूं किसे रिपब्लिकन संसद मैंबर का समर्थन नहीं मिलिया।